हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 19 तारीख है और आपने देखा आज निफ्टी क्या कमाल दिखाया है। ऊपर भी गया, नीचे भी गया, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने, और अल्टीमेटली निफ्टी ने 10604 की क्लोजिंग दी। अच्छी क्लोजिंग तो नहीं है, लेकिन क्लोजिंग दी, निगेटिव ही दी। आज 8वां दिन भी ये कंटिन्यू निगेटिव रहा। 25 एडवांस 24 डिक्लाइन ये का अनचेंज के साथ दिया। वेदांता, ग्रासिम, बीपीसीएल, जी एंटरटेनमेंट, जेएसडब्ल्यू बढ़त के साथ, विप्रो, टीसीएस, इंडसलैंड, अदानी पोर्ट और एनटीपीसी निगेटिव के साथ दिया। अगर निफ्टी 50 की बात करो तो, अगर एफआई की बात करो तो एफआई ने 813 करोड़ की बिकवाली की है और डीआई ने 1163 करोड़ की खरीदारी की है। अगर बैन में रहने वाले शेयर की बात करो तो कल जो बैन में रहेगा 20 तारीख को, अदानी इंटरप्राइज, आईडीबीआई, जेट एयरवेज, पीसी ज्वेलर्स, रिलायंस इंफ्रा और आर पावर, ये सब कल के बेन के लिस्ट में है। कल आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, फ्यूचर में करेंगे तो पेनल्टी लगेगा। ये बेन के लिस्ट में है। आज आप अगर निफ्टी की, मैं डेरिवेटिव की बात करूँ, अगर एक बार निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी 50 के पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं एक बार। पहले एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं एक बार। तो आज इंडेक्स में देखेंगे जो विक्स है 2.60 के साथ बढ़ के ही वापस क्लोज हुआ है। सुबह निगेटिव हो गया था, वापस बढ़ गया। निफ्टी 50 निगेटिव है और निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 निगेटिव है। बाकी सारे सब बढ़ के हुए हैं। बैंक थोड़ा सा बढ़ के हुआ है 0.11% के साथ। जहाँ ओपन हुआ 26,666, 26,996 का हाई मार दिया, लो बनाता 26,625, ओपन से भी नीचे जाता है और थोड़ा सा उसी के आसपास जो है 26,684 की जो क्लोजिंग लास्ट में जा करके देता है, 554 का था वहाँ पे, थोड़ा सा जाके बढ़त होकर के क्लोजिंग देता है। सबसे अच्छा पीएसयू बैंक ने आज परफॉर्म किया है, मेटल्स ने किया है, मीडिया ने किया है और रियल्टी सेक्टर ने किया है। बाकी जो आईटी और फर्मा जो है निगेटिव के रूप में रहे। निफ्टी 50 में देखेंगे तो आप 25 एडवांस हैं, 24 डिक्लाइन है। जो मेन है वेदांता है 4 पॉइंट, ग्रासिम 21 पॉइंट, बीपीसीएल 9, जेल 9, और जो सबसे ज़्यादा लूजर है उसमें विप्रो 12%, टीसीएस 62%, इंडसलैंड में 42%, अदानी पोर्ट्स 8 पॉइंट और एनटीपीसी 3, इन्फोसिस 17 पॉइंट, हीरो मोटर 46 पॉइंट, ये सब इंडिया बुल हाउसिंग 8 पॉइंट, ये सब जो थे उसमें बहुत अच्छे खासे गिरावट के रूप में दिखाए हैं। और यस बैंक देखें तो थोड़ा सा 0.05 निगेटिव थोड़ा सा बंद हुआ है। एक्सिस बैंक, जिसने पूरा बैंक निफ्टी को उठाया था, और आप देखेंगे तो जहाँ ये एक बार 705 का हाई बना दिया था, वहाँ वापस 691 लोअर में क्लोजिंग देता है। तो आज का खेल था, अच्छा खासा खेला भी गया। टाटा स्टील 4 पॉइंट के साथ ऊपर की ओर सब बढ़त दिया है। टाटा मोटर्स 2 पॉइंट, इसमें प्रमोटर खुद खरीदारी कर रहे हैं। यह इंडेक्स पे भी उतर, और अगर मैं 10604 का एट द मनी देखो, 10 निफ्टी इंडेक्स को देखो, डेरिवेटिव को देखो, 10600 पे क्या हो रहा है, 2,10,000 कॉल यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है, 4,10,000 क्यूमुलेटिव है। वही पुट की ओर देखो तो 2,78,000 का सपोर्ट है, 8,16,000 का सपोर्ट है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। तो 10600 का सपोर्ट मिल रहा है ऊपर में, और यहाँ पे अब हर लेवल पे शॉर्ट किया जा रहा है, 10600 पे भी शॉर्ट हो रहा है। नीचे 10500, 10550, मतलब 10450 तक के लेवल को शायद कल ट्राई कर सकता है। ऊपर देखें तो ऊपर 10650 पे और 10750 पे, 10850 पे 1.5 लाख हो रहा है, और ऊपर 10950 और ये 11,000 पे अनवाइंडिंग हो रहा है। मतलब अब ये हो जाएगा नहीं, इसके लिए वहां से अनवाइंड प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। नीचे की ओर देखें तो आज 10550 पे थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट पोजीशन तो क्रिएट हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा ही सा हुआ, बाकी फिर बाद में बाइंग पोजीशन आ गई है। 1,79,000, 2,33,000 के साथ 10500 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। ये सब तो हो गया, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात हो गई। एक बार निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, उसी तरह बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। 21 फरवरी का ही है, 21 फरवरी का। तो एट द मनी देखे 26,684 है, तो 26,600 का एट द मनी देख लेते हैं।
2600 पे, यहाँ पे 72,010 से शॉर्ट किया जा रहा है और यहाँ पे 54, दोनों तरफ निगेटिव हो रहा है, दोनों तरफ अनवाइंडिंग हो रहा है, क्योंकि एक बार ऊपर चला गया था फिर नीचे चला गया, तो ये एक अच्छा खासा खेल हुआ। लेकिन 2600 पे 4,93,95 जगह क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, 2600 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। और अगर यहाँ से नीचे की, अगर पुट में नीचे की ओर जाता है तो अच्छा खासा, फिर यहाँ पे नीचे कोई खास सपोर्ट तो 2600 में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो नीचे फ्री फ्लो है बैंक निफ्टी में, कोई ज़्यादा ये नहीं है, नीचे जाएगा तो अच्छा खासा नीचे फिर जा सकता है। ऊपर की ओर देखें तो 2600 पे 3,79,79,000 का, 7,61,000 का, 27,000 पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो सबसे ज़्यादा है 7,61,000 का, 27,100 पे भी है, तो ऊपर तो हर लेवल पे इसको शायद प्रॉब्लम आएगी, 2600 पे भी आएगा। नीचे फ्री फ्लो है, नीचे एकदम आराम से जा सकता है, तो इससे समझ में आ रहा है। और 2600 पे 1,93,91,000, 26,000 जो 3,91,000 यहाँ सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो अब एक बार इसको जाकर के हम चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। निफ्टी 50, अब एक बार नहीं देखिए, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी 5, 6 टाइम्स हो चुका है, जो बार बार इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है और यहाँ से फिर ऊपर बाउंस करता है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो एक चीज़ ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत बार हो चुका है और अब ये कभी भी जो हो रहा है ऊपर की ओर जो जा रहा है, आज निफ्टी ने क्या किया तो ओपन 638 पे हुआ, 10,722 का अप ले लिया और 10,586 का फिर लो लिया और फिर 10,605 पे क्लोजिंग दे दिया आज। तो इसमें हो क्या रहा है बार बार कि ऊपर की ओर सस्टेन नहीं कर पा रहा, नीचे की ओर फैल जा रहा है और एक बॉटम हैमर टाइप का पैटर्न भी देख रहे हैं। और बार बार ये क्या कर रहा है, इस लेवल पे आता है और इस लेवल से फिर वापस नीचे नहीं जाते हैं, सपोर्ट मिलता है ऊपर की ओर चला जाता है। इस बार चांसेस है कि ये इस बार नीचे तोड़ेगा और हो सकता है जब भी तोड़ेगा तो 10,300 का लो जो है वो पूरा बनाने का दम रखता है। तो मेरे अंदाज से, मैं कल भी आपको जो वीडियो बनाया था उसमें मुझे कहीं नहीं दिख रहा था कि ये ऊपर की ओर लेगा, और आज भी मैं जो है इसमें निगेटिव ही व्यू है मेरा। और मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया खेल, इस लेवल पे बहुत दिन तक अब ये घूम लिया, अब इस लेवल से इसको बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर तो अभी ऊपर की ओर तो जाना है नहीं, जाना तो नीचे की ओर ही है। और जितना दिन यहाँ स्टे कर रहा है आप समझिए उतना फोर्स के साथ किसी भी दिन यहाँ पे नीचे बाउंस करेगा, ये जितना टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक बार इसको नीचे 10,310 भी टच कराना है तो 10,300 ये जितना डिले कर रहा है समझे उतना जोर से नीचे की ओर जाएगा। तो ठीक है, अब लग रहा है यहाँ से, मुझे नहीं लग रहा कि कल परसों एक्सपायरी है, तो हो सकता है 2 दिन घुमा दे इसमें। मुझे फील है कि ये एक बार, क्योंकि ऊपर आप ऊपर कोशिश करता है लेकिन रुक नहीं पाता और नीचे की ओर चला जाता है। तो मैं अभी भी ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर शॉर्ट का ही इसमें आज भी मेरा रिकमेंडेशन शॉर्ट का ही रहेगा, बाय का नहीं रहेगा। सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी पे हो रहा है, वो 27,000 ऊपर की ओर जाता है, सर्वाइव नहीं करता और नीचे की ओर आ जाता है। और ये इसका एक अच्छा खासा 26,400 का 200 दिन का जो डेमा है, 26,400 का यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, तो ये वहाँ पे बार बार जा करके लेता है। लेकिन एक देखिएगा यहाँ पे, एक यहाँ जो पैटर्न बना है ये आप देखिए, ऊपर की ओर तो गया, ये 26,680 बैंक निफ्टी ओपन होता है, 26,991 का अब हाई बना देता है और फिर 26,629 का लो बनाता है और 26,659 पे जाके क्लोजिंग देता है। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे भी देखिए लंबा हैमर पैटर्न बना है, यहाँ पे भी नीचे की ओर पर पैटर्न बना है, ये भी शो कर रहा है कि ये नीचे ही जाना है इसको। तो 26,400 का अगर किसी भी तरह से ये सपोर्ट तोड़ता है तो आपको सीधा यहाँ के बाद 26,000 ही देखने को मिलेगा, और ये लेवल जो था 25,598 इसको भी ये जाकर के 25,600 का लेवल को भी ये टच कर सकता है। तो यहाँ के बाद जो इसको सपोर्ट मिलेगा सीधा यहाँ इस लेवल पे आकर के सपोर्ट मिलेगा 25,600 के आसपास। पहले यहाँ एक बार हो सकता है रुक जाइए 26,100 के आसपास, 26,000 के पास, और फिर वहाँ से 25,600 के आसपास जाएगा। तो बैंक निफ्टी मुझे वीक दिख रहा है, ऊपर की ओर ये भी जाकर के स्टे नहीं कर पा रहा है और कंटिन्यू निगेटिव है।
और जो पैटर्न बना आपको जैसा दिखा दिया मैंने यहाँ पे, ये पैटर्न ये भी निगेटिव पैटर्न ही है और मुझे पूरा बिलीव है कि ये नीचे जाएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे की ओर जाएंगे, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ये सारे वीडियो जो थे एजुकेशनल पर्पज से ही है। मार्केट में कोई भी पोजिशन बनने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर से जरूर कर लेंगे। एक एक्स्ट्रा शेयर में आज लेकर के आया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ, एक अच्छा पैटर्न दिख रहा था आरईसी लिमिटेड में। आरईसी लिमिटेड में कल क्या हुआ था, ये जो फॉल हुआ था 18 फरवरी को, ये 19 फरवरी को इसको पूरा गैप कवर करके ऊपर की ओर चला गया और पूरा इनगल्फ कर गया, इसको पूरा खत्म करके ऊपर की ओर चला गया। तो अब जो है ये एक एक जो बार बार इसको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, अब ये आज की जो क्लोजिंग दिया हुआ है, ये आज की जो क्लोजिंग 124.75 रुपये पे है, 119 पे ओपन हुआ, 126 का हाई बनाता है, लो 119 का बनाता है और जहाँ पे ओपन होता है वही लो है उसका, उसके बाद हाई बनाता है और 124 हाई की ओर ही क्लोज देता है। तो एक बार ये 128 के लेवल पे यहाँ पे आपको सपोर्ट लेगा, रेसिस्ट करेगा यहाँ पे, और अगर इसको क्रॉस करता है 128 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर ये एक लेवल 132 का और 144 का, तो 128, 132, 144 ऐसे करके आरईसी लिमिटेड में आपको अभी देखने को मिल सकता है। मेरे अंदाज से 140 के आसपास ये अभी इसको जाना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इसका कुछ बायबैक भी पीएफसी के साथ है, आरईसी पीएफसी दोनों एक साथ चल रहा है, तो दोनों में अच्छी खासी खरीदारी आई हुई है, तो हो सकता है कि ये इस बार अपने लेवल को 128 को तोड़ेगा और ऊपर की ओर 132 और 144 की ओर जाएगा। तो आरईसी पे आप वॉचलिस्ट रख सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ये एक एडिशनल व्यू था, और आप चाहें तो आरईसी पे अपना व्यू देख सकते हैं, रख सकते हैं। और आरईसी को अगर मैं एक बार अपने डेरिवेटिव पे भी देखूं, एक बार आरईसी लिमिटेड को एक बार डेरिवेटिव पोजीशन पे भी मैं देख लूं, तो वॉल्यूम तो है इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है, और 125 एट द मनी देखूं तो 125 की एट द मनी देखूं तो ये 127.50 पर अनवाइंड हो रहा है, 130 पर एडिशन हो रहा है, तो 130 तक का लेवल तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, और ये नीचे अनवाइंड हो रहा है ऊपर की ओर आ रहा है, और यहाँ पे 130 के लेवल पे भी शॉर्ट किया जा रहा है, 135 पे भी शॉर्ट किया जा रहा है, और 125 पे अच्छा खासा 132 का इसको शॉर्ट किया गया है, तो सबसे ज़्यादा 120 पे अच्छा खासा इसको सपोर्ट है, 120 के लेवल पे 10 लाख का, तो 120 से 135, 138 जैसा आपको बताया वहाँ पे, ये लेवल तक 7 लाख या 15 लाख 130 पे ओपन इंटरेस्ट और 135 पे 774, तो 135 तक जाने की ये ट्राई कर सकता है, कोशिश कर सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे बस 18 तारीख के लिए यही एक छोटा सा, 19 फरवरी के लिए एक छोटा सा ये व्यू था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।